नमस्कार दुनिया वालों, सर्दी आ गई है तो दादी पोता मिलके सरसों का साग बना रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर डुपर इंडिया हेल्दी। देखिए जी, स्माइल के साथ सरसों का साग बनेगा सुपर डुपर इंडिया हेल्दी में। हेल्दी आओ बुआ जी, आओ जी। तो दादी पोता, हाँ जी, शुरुआत कैसे करनी है जी? हाँ जी, शक्ल दिखाइए पहले, इधर शक्ल तो दिखा दो बुआ जी, शक्ल तो इधर आओ, दूसरी तरफ आओ, आप इधर आओ। हाँ हाँ जी, की तैयारी चल रही है जी? की तैयारी चल रही है? सरसों का साग बोलो, आप बोलो सरसों का साग। सरसों का साग, सरसों का साग। चलो जी, तेल तो जीरा, घी डाला पहले, हाँ जी, जीरा डाल दिया, हाँ, फिर प्याज, हाँ, ना प्याज भूज देंगे, फिर हाँ, टमाटर। अच्छा, प्याज टमाटर बाद पाने हैं, रुक के हैं, थोड़ी सी नमक भी डाल लेंगे। एक ही बनाया है तड़का, ये साग है, ये लसन साबुत की पई है, पीसांगे बता ये पीसे, ये नाल मशीन नाल ते वो मक्का का आटा है, उसका आ रहा है। खोल के दिखाओ, बड़ी दिखाओ, मक्की का आटा खोल, लाल रुमाल नीचे गिरी हुई है। अब देखो, शोर मचा रहा छोटा हलवाई, या मिंदा आगे करो, या हाँ तो जाके करें, तो पहले हलवा बनाएगा, तू बनाएगा सरसों का साग? हाँ, मुझे तो सरसों का साग बनाने के लिए, ये सरसों का साग का तैयार हो गया जी। अब इसमें गोटा मारा जाएगा ब्लेंडर से, ठीक है ना जी? और ये मक्की का आटा, मक्की की रोटी बनी, तैयारी चल रही है जबरदस्त। हाँ, ये इधर शोर मचा रहा है जी, मुझे मैं बनाऊंगा, मैं हट गया सारे, मैं बनाऊंगा साग। तू अपना जहाज संभाल ले, साग के बच्चे अपना जहाज संभाल ले, तू साग तू मत बना, हम बना लेते हैं, बस तो ऐसे हेल्प करता रहा पीछे से, ठीक है ना जी? मैं लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ। बटन ना दबो, दब के रखो, दब के रखो, साग बन रहा है जी। हरी टीम है जी पूरी। वो कितना टाइम लगूगा बनने? छठ दे मैं देख लेना। साग में ना ये भी ज्यादा बिल्कुल लोगों ने कटे लेवी बन जाता है, तो टाइट रहता है। पहले इसकी बात हो ना, मेरी बात हो ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो, साग बना रहे हैं, पंजाबी खाना, साग सरों का साग, मक्की की रोटी मक्खन के नाल। ये कितो पऊगा? इसमें डाल देंगे। ये कितो पऊगा अभी? हां, ये मसाले डालेंगे। अच्छा, मक्की का आटा हमने घोल लिया, मसाले डाल दो थोड़े से, ओदे से पता के तड़के से, तड़के तड़के। अभी टमाटर, धनिया, पहले टमाटर, हां ये सरसों का साग तैयार हो जाऊगा नहीं? आधे घंटे, हां हां पऊगा, आधे घंटे तैयार, हाँ है, पंद्रह मिनट हो जाएगा, मेरे को भुनना पड़ेगा ना, ये भुनेगा ये तेल का, अगर ये ना पाई तो स्वाद घट आता है, और हैं लो ये पानी को ले, ये साग का पानी है, मंदा कर दो ना। अब पानी पा लो जी, साग वाला पानी पे, साग वाला पानी पा लो, पानी उड़ूगा ना इधर का, पानी उड़ूगा भी नहीं उड़ूगा। अरे इसकी बात सुनो जी, हाँ बोलो बोलो बोलो,
बन गया भाई, बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया। थोड़ी सी धनिया डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी पा दी, थोड़ा सा नमक पा दिया, मिर्च ले के बनाएंगे। अच्छा प्रोसीजर के शुरू में साग में क्या क्या डाला? साग पहले मेथी, हाँ, सरसों, हाँ, और पालक, हाँ, तीनों को अच्छे से छान लिया और इनको बारीक बारीक काट लिया, फिर धो लिया अच्छे से, काटने के बाद अच्छे से धो के, हाँ, और इसके अंदर ही लहसुन, अच्छा, हरी मिर्ची और अदरक, अच्छा, वो तीनों चीज भी इसी के अंदर डाल दी, अच्छा, और डालने के बाद इनको उबाल दिया, अच्छा पूरा आधा पौना घंटा उबाला है, ठीक है, उबलने दिया, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया, ठंडा होने के बाद इसको पीस लिया, दरदरा पीसना, बिल्कुल बारीक नहीं करना, दरदरा पीसना, बारीक नहीं करना। तो फिर उसके बाद हमने इसमें डलेगा पहले तो ये खदकेगा ना, वो जो मक्की का आटा डाला है वो इसमें फूलेगा, जैसे कढ़ी में बेसन फूलता है, उसके बाद मिक्स करना है, सरसों का साग तैयार है। दोस्तों बनाओ और खाओ साग तैयार। लाइटर और ये पड़ा, वही दस तरीका शुरू दस दो लोगों ने वो जी इधर मुंह करके ना, इधर को मजो, इधर घूम जाओ, हां हूं तुम जाओ, किवें किवें स्टेप है, की कीता है, सारे स्टेप बता दो साग के। हां पहले सरसों का साग काटा, पालक का काटा और मेथी काटी, तीनों को काट कर साफ कर लिया, पानी से धो लिया अच्छी तरह, धोने के बाद फिर कुकर में डाल दिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, फिर मिर्च डाली, अदरक और लहसुन डाला, फिर उसको 7-8 सीटी बजाई, उसके बाद उसको ठंडा होने के बाद उसमें मक्की का आटा डाला, उसे क्या कहते हैं, आलन, आलन, अच्छा, इसको आलन कहते हैं, अच्छा, फिर उसको पकाने के लिए आग में रख दिया, अच्छा, और उधर से तड़का बना लिया, अच्छा, प्याज लहसुन का तड़का स्वाद बढ़ा देगा, हाँ, ऐसे बिना तड़के के भी खा सकते हैं, हाँ, भी हाँ, पाने भी ठीक हो गया। चलिए तो ये तैयारी सारी होगी, तड़का बन गया, आप आराम करो जी, इसे ले जाओ, रेडे को ले जाओ, बन गया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी सर्दियाँ शुरू हैं, तो जैसे आप ये चीज़ें खाएंगे तो आप ठीक रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, शरीर आपका गर्म रहेगा, तो खाओ पंजाबी सरसों का साग मक्की की रोटी के नाल। देखो जी मक्की का आटा लगा रहा है। करो ऐश नाल कांदा क्यों, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।